वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन ऑफ दी बेस्ट फेशियल जो कि 101% आपको गजब का रिजल्ट देगा। आने वाले जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसमें अगर आप इन्हें करोगे, जैसे करवा चौथ, दिवाली के पहले अगर आप इन्हें कर लोगे तो आपको डेफिनेटली इस लॉकडाउन में किसी भी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एंड ये स्पेशली हम सिर्फ और सिर्फ कर्ड को यूज करके सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे क्लेंजिंग, देन उसके बाद करेंगे स्क्रबिंग, उसके बाद करेंगे हम लोग मसाज, और सबसे लास्ट जो स्टेप होगी वो होगी फेस पैक, एंड देन लास्ट में हम लोग टोनर यूज करेंगे। ओके, सो टोनर जो है वो ऑप्शनल है, आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो ये जो चार स्टेप्स हैं हमारे फेशियल में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, देखने के बाद वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ताकि वो भी इनका फायदा ले सके। एंड ये वाला जो फेशियल है वो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनाकर हम लोग इसे अप्लाई करेंगे, आप लोगों को बनाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, प्लस आपको इनके सारे इंग्रेडिएंट्स घर में ही आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। सो गाइस, चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, सबसे फर्स्ट अब हम लोग बना लेते हैं क्लेंजर। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्लेंजर हमें किस तरीके से बनाना है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें लगने वाले हैं। सो गाइस, सबसे फर्स्ट हम लोग बनाएंगे क्लेंजर। क्लेंजर के लिए हमें चाहिए एक छोटी चम्मच के हिसाब से हम लोग लेंगे रॉ मिल्क, ओके, कच्चा दूध। देन गाइस नेक्स्ट उसमें हम लोग ऐड कर देंगे आधा चम्मच दही कर्ड, ओके, और दोनों को हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और आप लोगों को पता ही होगा जो मिल्क होता है वो आपके स्किन से डर्ट पॉल्यूशन को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपके स्किन को क्लीन करता है, आपके जो पोर्स होते हैं उनको उनमें जो गंदगी जमा हो जाती है उसे जड़ से निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड मिल्क को बहुत ही अच्छा एक क्लेंजर भी माना जाता है, दैट्स वाई हम लोगों ने इसमें एक चम्मच मिल्क यूज़ किया है एंड सिर्फ आधा ही चम्मच कर्ड यूज किया है। ओके, सो गाइज यू कैन सी हमारा क्लेंजर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ओके, क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ही लेंगे फेस के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा ज्यादा बन जाता है तो फिर वो फेंकता है। ओके, दैट्स वाई, तो इतना ही हमने क्वांटिटी लेना है। तो अब हम लोग इससे अपने फेस को क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखा आप लोगों ने कितना आसान था क्लेंजर बनाना। सो चलिए अब हम इसे फटाफट से अप्लाई कर लेते हैं। मैं दिखाती हूँ किस तरीके से आपने क्लेंजर को अप्लाई करना है। एंड ये रहा हमारा क्लेंजर। ओके, तो यू कैन सी आप लोगों ने, मैंने अच्छी तरीके से 5 मिनट तक अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन किया, एक नैपकिन की हेल्प से मैंने इसे गीला कर लिया है। अब मैं इसे पोंछ लूंगी इसे। सो गाइज यू कैन सी यहाँ पर फेस मेरा अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। अब बारी आती है स्क्रबिंग की, तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि स्क्रबर हम किस तरीके से बनाते हैं। सो गाइज, क्लिनजिंग का जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हमारा जो फेशियल का है वो हो चुका है जो था क्लिनजिंग। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जो बनाने जा रहे हैं वो है स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए हम लोग लेंगे शुगर, एक चम्मच, इस चम्मच के हिसाब से शुगर लेंगे। देन गाइज नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच कर्ड। ओके, तो इन दोनों को अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। सो गाइज, देखा आप लोगों ने, यहाँ हमारा जो फेस स्क्रब है वो भी फटाफट से झटपट से बनकर आसानी से रेडी हो चुका है। और अब हम लोग इसे अप्लाई कर लेते हैं अपने फेस पर। एंड गाइज, आप लोगों को पता ही होगा कि शुगर जो है वो बहुत ही अच्छा एक सोर्स माना जाता है स्क्रबिंग के लिए। ओके, तो शुगर सबसे बेस्ट मुझे भी लगता है। और अगर आप लोग चाहो तो फेस पर स्क्रब करते करते आप इसे लिप्स पर भी अप्लाई करोगे तो आपके लिप्स पर जो टैनिंग होगी वो भी जड़ से खत्म हो जाएगी। ओके, सो चलिए हम लोग इसे फेस पर अप्लाई कर लेते हैं। सो गाइज, देखा आप लोगों ने, हमारा स्क्रबर जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। अब हम लोग इससे फटाफट से स्क्रब कर लेते हैं। देखा आप लोगों ने,
हमने स्क्रब मैंने कम से कम 4 से 5 मिनट तक किया है, ओके। तो सारे स्टेप्स कम से कम 4 से 5 मिनट तक आप लोगों ने फॉलो करनी ही करनी है, ओके। सो चलिए अगेन मैं इसी नैपकिन के हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लूंगी यहीं बैठे बैठे। मैं जाकर वहां वॉश करके आ सकती थी वॉशरूम में, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने मैं लाइव दिखा सकूं सारी चीजें। स्क्रबिंग इज डन, अब हम लोग बना लेते हैं मसाज पैक। सोचिए फटाफट से क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनता है। सो गाइज अब थर्ड स्टेप में बारी आती है मसाज की। मसाज करने के लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे 1/2 छोटा चम्मच लेंगे हम लोग दही, ओके। देन उसके अंदर 1/2 छोटी चम्मच हम लोग ऐड कर देंगे हनी। यहाँ पर मेरे पास जो है वो हिमालय हनी है, तो आप किसी कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, डजंट मैटर, ब्रांड कोई ज़रूरी नहीं होता है। आपके पास जो भी हनी घर में अवेलेबल हो आप उससे कर सकते हो, ओके। तो 1/2 छोटा चम्मच हम लोग इसमें हनी ऐड कर देंगे। सो गाइज यू कैन सी हमारा मसाज क्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारे थर्ड स्टेप जो है अब हम उसे फॉलो कर लेते हैं। सो चलिए अब हम लोग फटाफट से मसाज कर लेते हैं, थर्ड स्टेप भी हमारी कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइज जैसे कि आप लोगों ने देखा हमारा मसाज क्रीम जो है वो रेडी हो चुका है। सो चलिए अब हम लोग फटाफट से अप्लाई कर लेते हैं। एंड इसमें भी हम लोग कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से स्किन में इसे एब्जॉर्ब करने देंगे और अच्छी तरीके से मसाज करेंगे, ताकि ये पूरा जो दही एंड हनी का जो मिक्सचर है वो आपके स्किन में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए एंड आपके स्किन में इंस्टेंटली ग्लो आ जाए। सो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। सो गाइस 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मसाज करते करते, एंड अब मैं अपने जो नैपकिन है उसे धोकर ले आई हूँ अच्छे तरीके से। अब मैं इसे अपने फेस को क्लीन कर लूंगी, ओके। सो गाइस यू कैन सी, आई थिंक आप लोग देख सकते हो जो नेचुरल ग्लो मुझे इससे मिला है वो बिल्कुल देखने जैसा है। आई थिंक आप लोगों को कैमरे में कैप्चर हो पा रहा है या नहीं, आई डोंट नो। गाइज मुझे जो रियलिटी में जब मैं अपने फेस को मिरर में देख रही हूँ तो मुझे बहुत ही प्यारा सा ग्लो नजर आ रहा है। अब हमारी जो लास्ट स्टेप है उसमें हम लोग करेंगे लगाएंगे फेस पैक। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि फेस पैक कैसे बनाना है। सो गाइज अब बारी आती है फेशियल के लास्ट स्टेप की, जिसमें होता है फेस पैक, ओके। तो हम लोग फेस पैक बनाएंगे, जिसके लिए हम लोग 1 बड़ा चम्मच लेंगे दही। उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे 1 से 2 चम्मच के करीब गेहूँ का आटा, ओके। देन गाइज नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1/2 का भी 1/2 लेमन, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, 1/2 का भी 1/2 करना है, ओके इतना सफिशियंट है। देन गाइज नेक्स्ट हम लोग इसमें, आप ये वाला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इंग्रेडिएंट, ये ऑप्शनल है, जो कि है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ओके। ये मेरे पास जो है वो मेरिट वीको VCO का है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि बहुत ही अच्छा होता है आपके फेस के लिए, ओके। अगर आपको फेस के ऊपर कोई भी ऑयल यूज़ करना है तो प्लीज़ सिर में लगाने वाला तेल नहीं यूज़ करना है, ओके। इस तरीके से कोई आप तेल ले सकते हो, ये वाला ना हो तो आप स्वीट एलमंड ऑयल ले सकते हो या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन हो तो ही आपने ऑयल यूज़ करना है, अदरवाइज आप लोगों ने इसे स्किप कर देना है। तो इसमें मैं कम से कम 7 से 8 बूंदें इसमें ऐड कर दूंगी कोकोनट ऑयल की, जो कि आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चर पहुंचाएगा आपके स्किन को, आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो गाइज यू कैन सी इस तरीके से कंसिस्टेंसी रखनी है, ना बहुत ज़्यादा थिक करना है ना बहुत ज़्यादा रनी करना है। सो हमारा जो फोर्थ एंड लास्ट जो स्टेप है वो भी यहाँ कंप्लीट होता है। तो चलिए मैं फटाफट से आपको अपने फेस पर इसे लगाकर दिखाती हूँ, देन हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे। सो गाइज यू कैन सी हमारा फेस पैक रेडी हो चुका है, आप लोगों ने देखा ही कैसे बनाना है। सो चलिए अब हम लोग इसे फटाफट से अप्लाई कर लेते हैं, देन मैं आप लोगों को बताती हूँ उसके बाद कि हमें इसे कितनी देर रखना है और इस फेशियल को कितने टाइम यूज़ करना है एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को इसे लगाने के बाद बताती हूँ, ओके। सो चलिए हम लोग फटाफट से लगा लेते हैं। देखा आप लोगों ने
लोगों ने कितनी फटाफट से ये हमारा जो पैक है वो बहुत ही आसानी से अप्लाई हो चुका है, बिल्कुल भी मैसी नहीं होता है, बिल्कुल भी नीचे गिरता नहीं है, बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने रखी हुई है। इसी तरीके से आप लोगों ने कंसिस्टेंसी रखना है, ओके। एंड बिल्कुल ही स्मूथ एंड सॉफ्ट सा ये वाला जो फेस पैक है वो होता है, ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता है, ओके। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप ये वाला जो फेशियल है, आप किसी भी फंक्शन से मतलब 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते में 1 बार यूज करना है, तो 2 हफ्ते पहले यूज करोगे, यानी कि दिवाली से 2 हफ्ते पहले अगर यूज करोगे तो यानी 2 बार आपने यूज करना है, ओके। तो आपको इतना गजब का ग्लो तब तक मिल जाएगा ना कि आप लोगों को किसी भी पार्लर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। एंड अभी करवा चौथ भी आ रहा है तो उस वक्त भी आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। तो हफ्ते में 1 बार आपने इसे यूज करना है, और अगर ज्यादा पसंद आता हो, टाइम ज्यादा हो, तो हफ्ते में 2 बार भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इसमें सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ओके। सो गाइज, अब हम इसे रखेंगे 10 से 15 मिनट तक, देन उसके बाद वॉश कर लेंगे। घड़ी का टाइम मिला के हम लोग इसे रखेंगे 10 से 15 मिनट, ओके। एंड उसके बाद वॉश कर लेंगे। हम ये टाइम नहीं देखेंगे कि हमारा जो मास्क है, फेस पैक है, वो सूख जाए, ड्राई हो जाए, देन उसके बाद हम लोग इसे वॉश करेंगे, नहीं, हम टाइम मिलाकर इसे वॉश कर लेंगे, बिकॉज किसी भी फेस पैक को 100% ड्राई नहीं करना है, अदरवाइज आपकी स्किन में क्रैक्स आने लगते हैं, आपकी स्किन में झुर्रियां बनने लगती हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने, ओके। तो कोई भी फेस पैक 10 से 15 मिनट अप्लाई करने के बाद उसे वॉश कर ही लेना है। सो चलिए मिलती हूँ 10 से 15 मिनट बाद, सीधे वॉश करने के बाद आप लोगों के साथ डायरेक्ट इसका रिजल्ट शेयर करूंगी। सो चलिए एंड बने रहिए लास्ट तक। सो गाइज, यू कैन सी, मैं अपने फेस को यहाँ पर वॉश करके आ चुकी हूँ। 10 से 15 मिनट हो चुके थे और मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिला है ना, आप लोगों को आई थिंक कैमरे में कैप्चर हो पा रहा है या नहीं, लेकिन इसे ट्राई कीजिए एक बार मेरे कहने पर, और आप लोगों को जिसका रिजल्ट मिलेगा ना, आप इसे दोबारा ट्राई करे बिना बिल्कुल नहीं रहोगे, ओके। सो गाइज, अब मैंने ये फेस को वॉश करने के बाद लास्ट जो स्टेप आती है वो आती है टोनिंग की। तो यहाँ टोनर के लिए मेरे पास है ग्लो थ्योरी का रोज वाटर, जिसे मैं अपने फेस पर स्प्रे कर लूंगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास रेडीमेड जो रोज वाटर है वो नहीं है, तो आप घर में बना सकते हो, ओके। ये सबसे बेस्ट वाला टोनर होता है, आपको कोई भी मार्केट से महंगे महंगे टोनर खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों के पास रोज वाटर है तो, एंड नहीं है तो घर में बना लीजिए। उसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों से शेयर की है अपने चैनल पर, नहीं देखी हो तो प्लीज जाइए फटाफट से मेरे चैनल पर, आप लोग देख सकते हो कि घर में आप रोज वाटर प्योर 100% प्योर रोज वाटर कैसे बना सकते हो। सो चलिए अब मैं इसे स्प्रे कर लेती हूँ। सो गाइज, यहाँ पर हमारा जो फेशियल है वो कंप्लीट होता है। आप लोगों को कैसा लगा है फेशियल मुझे जरूर बताइएगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया है, सो प्लीज जाइए फटाफट से फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो है एंजल इंडिया ऑफिशियल, एंड मेरे जो फेसबुक की आईडी है वो है एंजल इंडिया। सो अभी तक नहीं किया है तो प्लीज 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 जाइए एंड फटाफट से फॉलो कर लीजिए। सो गाइज, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।